आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के खिलाफ तमाम आरोप लग रहे हैं, ऐसे में दिल्ली बीजेपी जनता के बीच उतरी है फीडबैक लेने के लिए कि क्या दिल्ली सरकार और जो आम आदमी पार्टी पर तमाम आरोप लग रहे हैं उनको किस तरह देखती है। तमाम जो बीजेपी के महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर कनॉट प्लेस में यहाँ पर आए हैं और जनता से फीडबैक ले रहे हैं। राजीव बब्बर हैं, राजेश भाटिया हैं, रविंद्र गुप्ता हैं, तमाम जो बीजेपी के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बात करेंगे इनसे कि क्या फीडबैक इनको मिल रहा है। अभी एक शख्स हैं, फीडबैक दिया है आपने, अपने फीडबैक फॉर्म भरा है, क्या कुछ आपने इसमें दिया है? इसमें जो उन्होंने पूछा है, जैसे इसमें सवाल दिए हैं उन्होंने कई सारे, जरा सोचिए दिल्ली को क्या मिला, झूठ, लूट, धोखा, भ्रष्टाचार, हवाला कांड, पूरा विश्वासघात, क्या देखते हैं? इसमें झूठ भी मिली है, लूट पक्का है, धोखा तो है ही, ठीक है। और रही बात भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पे मैं 100% नहीं कहूँगा कि जो वो केजरीवाल के आने से भ्रष्टाचार बढ़ा है, ठीक है, लेकिन है आपको लेकिन रुका भी नहीं है, लेकिन रुका भी नहीं है। इनके केजरीवाल अकेला आदमी हो सकता है ईमानदार हो, लेकिन इनकी पूरी टीम ईमानदार है। आरोप तो अब केजरीवाल पर ही लगे हैं। हाँ बिल्कुल लगेंगे सर, मैं यदि नेता हूँ, ठीक है, तो मेरे ऊपर ही लगेंगे ना। अभी आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर यदि गलत नहीं करता और सारी पूरी टीम गलत करती है तो भारत का प्रधानमंत्री बदनाम होगा ना सर। ये तमाम तरह की चीज़ जिस तरह की दिल्ली में देखने को मिल रही है, तमाम इन्होंने सवाल पूछे हैं। 7 मई को दिल्ली सरकार ने एक सशक्त मंत्री ने अपने मुख्यमंत्री ₹2 करोड़ नकद देते हुए आपको उसे देखा, हाँ। और खुलासा हुआ क्या? मिश्रा जी जो है वो इनके सबसे करीबी माने जाने वाले थे, ठीक है, वो आप पार्टी में प्रवक्ता भी रहे हैं, ठीक है, और एक समय था कि मिश्रा जी से ही सारी चीज़ें पूछी जाती थी और वो बहुत अच्छे जो लगाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, क्या लगता है तो उन्होंने सर देखा होगा तभी तो लगाए हैं। एक आदमी जब किसी पार्टी के अंदर गले तक भर जाएगा तो फिर वो सोचेगा यार मेरे को बाहर निकल जाना चाहिए, ये झूठे आदमी से। ये फीडबैक आपको सारा सवाल आता है, इसमें से आपको लगता है कि ये सही सवाल है और सरकार के खिलाफ जो चीज़ें चल रही हैं वो सही हैं? नहीं, मैं 100% नहीं कहता, लेकिन 80% तो है, 80% तो सच है। देखिए धुआं जब भी उठेगा जब कहीं ना कहीं आग लगेगी, जाहिर तौर पर धुआं तभी उठेगा जब कहीं आग लगेगी। तमाम जो लोग हैं, राजीव बब्बर हैं इधर, उनसे बात करेंगे। राजीव जी क्या फीडबैक ले रहे हैं जनता से? देखिए ऐसा है कि हमारा ये जो फीडबैक फॉर्म है उसमें तो हमने सीधा जनता से प्रश्न पूछे हैं कि किस तरीके से केजरीवाल जो कर रहे हैं, क्या उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कैसे उन्होंने उस मंत्री को जो राशन कार्ड के मामले में जिसने औरतों की बेइज्जती करी उसको जो आपने दोबारा कमेटी में डाल दिया वो ठीक किया कि नहीं किया। ऐसे ही आपने सत्येंद्र जैन से जो आपको ज़्यादा इश्क हो रहा है, बार बार सत्येंद्र जैन को जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सत्येंद्र जैन को जो सपोर्ट आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ऐसे प्रश्न जनता से क्या पूछ रहे हैं अभी तक जनता का तमाम? जैसे भाई साहब से हम पूछने आए, भाई साहब आप बताइए कि केजरीवाल साहब को इस्तीफा देना चाहिए, ये बताइए कि आपको क्या फीडबैक मिला लोगों का, आपने सवाल पूछे? देखिए मैंने अभी 10 लोगों से बात की है पिछले 10-12 मिनट में और सभी आपको हैरानी की होगी जानकर, 100% लोगों का ये कहना है कि सरकार को जाना चाहिए, कि सरकार अपना नैतिकता खो चुकी है। इसने जो एक हमारा प्रश्न था कि जिस प्रकार ये सुदीप कुमार ने जो निशन किया उसको तुरंत करना ठीक है या नजायज है, लोगों का कहना बिल्कुल गलत है, 100% ये सवाल सरकार को लेकर है, सरकार को लेकर, केजरीवाल को लेकर है। और आपको हैरानगी होगी कि 100% लोगों, 12 में से 12 लोगों ने इस सारी बातों को विरोध किया। भरा भाई साहब? अभी नहीं भरा मैंने। तो आप देखिए जी, ये देखिए इनसे सवाल पूछ रहे हैं, जानेंगे कि क्या इनकी राय रहती है। जी पूछिए। देखिए हम ये कह रहे हैं कि प्रिय दिल्ली वासियों, जंग लड़ो बेईमानों से, बाहर निकलो मकानों से। एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर, भ्रष्टाचार का विरोध करके केजरीवाल सरकार दिल्ली की सत्ता में आई थी। आज क्या लगता है आपको कि नैतिकता के आधार पर केजरीवाल सरकार को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल सर देना चाहिए। जो उन पे आरोप लग रहे हैं कि उनको उनके जो बंसल जी साडू जी उनका PW का कॉन्ट्रैक्ट दिया, मतलब आम आदमी पार्टी जिस अपने मुद्दे को लेके मतलब कि भ्रष्टाचार सबसे लेके आई थी वही अब ट्रैक से हट गई है। अभी उनके मंत्री कपिल मिश्रा जी अनशन पर बैठे हैं, उन्होंने यही बोला है कि ये सब भ्रष्टाचार उनके सामने हो रहा था, इवन कि उन्होंने 2 करोड़ कैश लेने की बात भी मीडिया के सामने बोली है। ACB को उन्होंने और शायद पुलिस को भी वो FIR लॉन्च करवाएंगे, उन्होंने उसके सबूत बंद लिफाफे में ACB को जमा करवाए हैं। तो बिल्कुल सरासर गलत है कि आप मतलब झूठ बोल के वायदे करके आपको लगता है कि सही नहीं हो रहा है? बिल्कुल गलत है। आप बताइए आपकी क्या राय है, जो सवालात ये लोग पूछ रहे हैं कितने ये सवालात जो इसके अंदर हैं ये अपनी तरफ से नहीं बनाए गए, ये इस तरह के आरोप हैं और जो वादे उन्होंने किए थे उसमें सारे हट करके जो काम नहीं करने चाहिए उन पर लगे रहते हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और दिल्ली छोड़ करके आरोप प्रत्यारोप आरोप पे आरोप लगते रहते हैं और फिर ये कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये इतने सारे लोग पूछ रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि क्या नैतिकता? बिल्कुल सही है,
ये सही है, इसमें जितनी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही हैं, और जो इसमें नाजायज़ लिखा वो नाजायज़ ही है, जो जायज़ है वो जायज़ है। आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक है ये? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि अभी दो साल कैसे काटे जाएँ वो बिल्कुल। ये वो जनता है जो परेशान है, और कहीं ना कहीं जो समर्थन इनको दे रही है, जो फॉर्म लेकर खड़े हैं बीजेपी के तमाम नेता, कहीं ना कहीं हम ही भर रहे हैं उसको लेकर की जो सवाल ये पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं सही है, और जनता अपनी राय दे रही है कि क्या वाकई में जो दिल्ली में स्टैम हो रहा है, क्योंकि दो साल से ये देखते आ रहे हैं कि दिल्ली में कामकाज नहीं हुए हैं जैसा कि इनका कहना है, और कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे हैं उसके आधार पर लगता है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कैमरामैन अजीत सिंह के साथ जींदर चौहान, टोटल न्यूज़ दिल्ली।